दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा की तरफ से आने वाली काफ़ी पावरफुल ट्रक टाटा की LPT 2818। इस वाले 2818 में आपको यहां पर देखने को मिल जाती है कॉल और साथ ही आपको जैसे कि आप देख रहे हैं सिग्ना केबिन, दोनों का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं कॉल के बारे में और सिग्ना केबिन, दोनों ही में आपको दोस्तों सेम स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फीचर के बारे में। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक एंटी फ्यूल थेफ्ट, यानी कि दोस्तों आपको जो है तेल यहाँ पर जो है चोरी नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर पर देखने को मिल जाती है। इसमें आपको ड्राइविंग मोड यहां पर देखने को मिल जाती है, कैसे अपने गाड़ी में लोड लिया उसके हिसाब से, ताकि आपको जो फ्यूल की खपत काफ़ी हद तक कम हो पाए। डिजिटल मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको मिलता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर। आगे दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हमें कीमत यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, साथ ही बात करेंगे परफॉर्मेंस कैसी है। तो वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको LED टेल लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाती है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक टाइप आपको मिलता है स्टेयरिंग, USB चार्जिंग का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आप लेते हैं सिग्ना केबिन, इसमें आपको AC देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 2818 में इसमें आपको कॉल और सिग्ना केबिन दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट है 28,000 किलोग्राम। इंजन की बात करेंगे, इसमें हमें मिलता है कमिंस का ISBE का 5.6 लीटर का BS6 इंजन, जो कि हमें यहाँ पर ताकत देती है 140 किलोवाट के 2300 RPM पर। टॉर्क यहाँ पर जनरेट करती है 850 न्यूटन मीटर के 1000 से लेकर 1600 RPM तक के बीच। क्लच की बात करेंगे, 380 mm के आपको सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप ऑफ क्लच यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 6 आपको मिलता है फॉरवर्ड गियर, 1 आपको मिलता है रिवर्स गियर। अगर हम बात करेंगे एक्सल के बारे में, तो फ्रंट में आपको मिलता है टाटा का हैवी ड्यूटी 70 रिवर्स इलियोट टाइप आपको एक्सल देखने को मिलता है फ्रंट में। रियर की हम बात करेंगे, सिंगल रिडक्शन RA 110 LD वाले आपको एक्सल पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे फ्रेम के बारे में, जिसे हम चेसिस भी कह सकते हैं, तो आपको फ्रेम जो है लेडर टाइप यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डायमेंशन की बात करेंगे फ्रेम की, वो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। टायर की बात करेंगे, 2 95 90 R20 के आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाती हैं ट्यूब वाले ही। अगर हम बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लेते हैं कॉल वाले वेरिएंट तो आपको यहाँ पर ब्लोअर देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप लेते हैं सिग्ना केबिन तो इसमें आपको ब्लोअर के साथ AC का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करेंगे, 365 लीटर के आपको फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने को मिल जाती है पॉलीमर टाइप, जो काफ़ी सही है। साथ ही आपको उसके अंदर पार्टीशन आपको मिलता है, इसके चलते दोस्तों क्या होती है तेल जो है ज़्यादा छलकती नहीं है। तो आपको डबल पार्टीशन के साथ पॉलीमर टैंक यहाँ पर देखने को मिलती है, जो बहुत ही बेहतरीन है। स्वागत है आपका मेरे वाले चैनल में। कार और बाइक के बारे में सही कीमत और उसकी सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए। अगर हम यहाँ पर बात करें गाड़ी के डेक लेंथ के बारे में, तो आपको बता दें यहाँ पर आपको दोस्तों 4 तरह के आपको डेक लेंथ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एक आपको मिल जाती है 23 फीट की डेक, दूसरी आपको मिल जाती है 7315 mm की, तीसरी टाइप आपको मिल जाती है 8230 mm की, चौथी हम बात करेंगे टाइप के बारे में तो वो आपको 9754 mm की आपको लंबाई यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी आप जो है लंबाई की आप जो है डेक यहाँ पर चूज कर सकते हैं। व्हील बेस की बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कंपनी आपको 4 तरह के व्हील बेस का ऑप्शन दे रही है। पहली आपको मिल जाती है 4880 mm के व्हील बेस, दूसरी आपको मिलती है 5505 mm के, तीसरी हम बात करेंगे 5905 mm की, और चौथी टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है 6750 mm की। तो आपको 4 तरह का व्हील बेस का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसमें दोस्तों आप टैंक टाइप भी जो है आप इसमें बना सकते हैं, साथ ही आप जो है केबिन के हिसाब से ट्रक भी से डिजाइन अप करवा सकते हैं कार्गो FMCG जैसे कार्यों के लिए। वारंटी की बात करेंगे, 6 साल या फिर आपको 6 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है टाटा की तरफ से। तो अगर हम बात करेंगे इसकी एक शोरूम कीमत के बारे में, तो आपको बता दें जैसा कि हमने यहाँ पर जाना है, इसमें आपको 4 तरह के डेक की लंबाई आपको देखने को मिलती है। तो इसकी दोस्तों कीमत यहाँ पर शुरू हो जाती है 2834000 रुपये से लेकर 2849000 रुपये तक के बीच। इसी रेंज के बीच आपको लगभग से यहाँ पर कीमत आपको देखने को मिलने वाली है टाटा की 2818 वाली कॉल या फिर सिग्ना केबिन में। बुकिंग अमाउंट की बात करेंगे, 10,000 रुपये से इसकी बुकिंग यहाँ पर चालू हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे टाटा की LPT 2818 कॉल और सिग्ना में आपको क्या यहाँ पर फीचर देखने को मिलती है, क्या आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, गाड़ी कैसी है, कीमत क्या है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इंपॉर्टेंट जानकारी कम समय में सही तरीके से जानने के लिए धन्यवाद।